కేంద్ర ప్రభుత్వంపై విపక్షాలు పెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం మీద లోక్సభలో చర్చ జరుగుతోంది. లైవ్ ద్వారా చూద్దాం. నెట్వర్క్ సెంట్రిక్ యా హోతా జా రహా హై. अतः ये आवश्यकता है कि जो हमारे नए चैलेंजेज हम लोगों के सामने आ रहे हैं उनका सामना करने के लिए हमारी सेनाएं चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, उनके अंदर की बेहतर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बेहतर तालमेल होना चाहिए. इसी बात को ध्यान में रखकर ही यह बिल सदन में लाया गया है. तीनों सेनाओं के पर्सनल्स आपस में एक साथ मिलकर काम करें और तीनों सेनाओं के मिलने से ही इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बनता है. और मैं समझता हूं कि यह ऑर्गेनाइजेशन बन जाने के बाद, यह एक्ट पास हो जाने के बाद हमारी ये जो इंटीग्रेटेड होकर हमारी जो ये इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है और बेहतर तरीके से ये काम कर सकेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है. सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि इस बिल के बारे में जब यह बिल स्टैंडिंग कमेटी जो रक्षा विभाग की है उसके समक्ष विचाराधीन था तो स्टैंडिंग कमेटी ने इतना कम्प्रिहेंसिव माना इस बिल को, अपने इतना परफेक्ट माना है कि स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया है और अपील की है दोनों सदनों से कि बिना किसी संशोधन के इसे सदन के द्वारा पारित किया जाना चाहिए. और मैं समझता हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमेंड किया हो कि बिना किसी अमेंडमेंट के इसे पारित कर दिया जाए. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों को कि बिना किसी अमेंडमेंट के वह इस बिल को अपना समर्थन दे रहे हैं. लेकिन जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं उन सुझावों पर भी जो हमारे व्यू पॉइंट हैं उनको मैंने इस सदन के समक्ष रखा है और आगे जो जो भी सुधार की आवश्यकता होगी जो भी, क्योंकि रिफॉर्म से एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह चलता ही रहता है. जिस जिस प्रकार के रिफॉर्म्स की जरूरत होगी वो सदैव हम करते रहेंगे. इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार इस बिल के ऊपर व्यक्त किए हैं. और इन्हीं शब्दों के साथ उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और माननीय सभापति महोदय आपके प्रति भी मैं विनम्रतापूर्वक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने भी मुझे इस बिल के ऊपर अपना विचार व्यक्त करने का अवसर दिया. बहुत बहुत धन्यवाद. The question is that the Inter Services Organizations Command, Control and Discipline Bill 2019